छठे चरण के रण के लिए पीएम ने महाराजगंज और देवरिया में की रैली। एसपी सरकार पर साधा निशाना, कहा पांच चरणों का हिसाब लगा लिया है, जनता निकाल रही है 15 साल का गुस्सा। जिन्होंने 15 साल तक उत्तर प्रदेश पे जुल्म किया है, उत्तर प्रदेश को लूटा है, इन सबको चुन चुन करके साफ करने में लोग लगे हैं। पीएम ने नोटबंदी के गिनाए फायदे, कहा विकास यात्रा पर कोई आंच नहीं, हार्वर्ड की सोच में हार्डवर्क में बदला। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब माँ का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाई बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के बिगड़े बोल, 22 फरवरी को एक सभा में पीएम मोदी को बताया डकैत। सभा में ही पीएम मोदी का किया गया अपमान, मंत्री अब्दुल जलील के सामने ही पीएम की तस्वीर पर कार्यकर्ताओं ने बरसाई चप्पलें। अब्दुल जलील मस्तान के बयान पर बिहार बीजेपी का हल्ला बोल, विधानसभा के सामने किया जोरदार प्रदर्शन, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। जेडीयू ने अब्दुल जलील के बयान से किया किनारा, कहा ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कहा ऐसा बयान ठीक नहीं। हंगामे के बाद अब्दुल जलील के बदले सुर, कहा अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी का सामने आया वीडियो, कश्मीर और बस्तर को लेकर हुई देश विरोधी नारेबाजी, आज तक नहीं करता वीडियो की पुष्टि। डीयू के रामजस कॉलेज में 22 फरवरी को लगे देश विरोधी नारे, लेफ्ट विंग छात्र संगठनों पर देश विरोधी नारेबाजी का आरोप। एबीवीपी का आरोप, 22 फरवरी को रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी वाले प्रदर्शन में बाहर से भी आए थे अराजक तत्व। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी का मुद्दा पहुंचा कोर्ट, एक वकील ने दिल्ली की एक अदालत में दी याचिका, 6 मार्च को होगी सुनवाई। दिल्ली छोड़कर जालंधर पहुंची गुरमेहर कौर को चंडीगढ़ पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा, गुरमेहर ने सोशल मीडिया में प्लेकार्ड के जरिए पाकिस्तान को दी थी क्लीन चिट। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने गुरमेहर की सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ली जानकारी। मानवाधिकार आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, गुरमेहर को मिली धमकी पर किया जवाब तलब। डीसीडब्ल्यू ने फेसबुक से मांगी जानकारी, जवाब किया तलब। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालनवाल ने फेसबुक को भेजा नोटिस, गुरमेहर को मिली धमकी की संसद में भी सुनाई देगी गूंज, अगले बजट सत्र में लेफ्ट और कांग्रेस ने मुद्दा उठाने का किया फैसला। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त बोले, ज्यादा पढ़ लिख कर भी लोग लगाते हैं देश विरोधी नारे, देशभक्ति का पढ़ने लिखने से कोई नहीं वास्ता। योगेश्वर दत्त ने कहा बोलने की आजादी का मतलब देश के खिलाफ बोलना नहीं है, गुरमेहर को मोहरा बनाकर की गई साजिश, गुरमेहर के पीछे कोई और। ओलंपिक पदक विजेता बबिता फोगाट ने भी किया ट्वीट, कहा पढ़ लिखकर गद्दारी करने से अच्छा है अनपढ़ रहकर देशभक्त बने। बबिता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने भी दर्द किया साझा, कहा यहां उम्र बीत गई मेडल दिलाने में, वो एक पल नहीं लगाते अनपढ़ बताने। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी साधा निशाना, कहा गुरमेहर को बात कहने की आजादी है तो गीता बबिता को भी वही अधिकार। गुरमेहर के पक्ष में आगे आए सेना के रिटायर्ड कर्नल मुकेश शहारे, कहा 2 साल की उम्र में पिता की शहादत देखने वाली को धमकी जायज। आज तक से बोली गुरमेहर की मां, बेटी को लेकर काफी डर लग रहा है मगर बहुत कुछ सीख रही हूं उससे। जेएनयू और डीयू के बाद अब विवादों में जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय, बीजेपी नेता शाजिया एल्मी ने लगाया कार्यक्रम से ठीक पहले बदल दिया गया सेमिनार का मुद्दा। शाजिया एल्मी ने लगाया आरोप, 3 तलाक के मुद्दे पर पहले बुलाया गया था बाद में कार्यक्रम बदला गया, मुझे खदेड़ने के लिए बुलाई गई थी भीड़। जेएनयू में पिछले साल देश विरोधी नारेबाजी पर लगी मोहर, सूत्रों के मुताबिक 40 से ज्यादा वीडियो फुटेज की जांच में स्पेशल सेल ने कई वीडियो सही पाए। सूत्रों के हवाले से खबर, उमर खालिद और अनिर्बान समेत कुल 9 लोगों ने जेएनयू में लगाए थे देश विरोधी नारे।
जेएनयू विवाद के मसले पर बोले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी, संवेदनशील मामला है, कयास न लगाएं, मामले की चल रही है जांच। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्विटर पर पोस्ट किया वीडियो, कहा सबको खुलकर बोलने की आजादी, होना चाहिए सम्मान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवान श्रीराम का वीडियो किया ट्वीट, वीडियो में देश के खिलाफ नारेबाजी करने वालों पर निशाना साध रहा है जवान। सोनभद्र में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी और अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, रोहित वेमला का मुद्दा भी उठाया। देवरिया में अखिलेश यादव की चुनावी सभा, पीएम पर साधा निशाना, कहा उन्होंने लोगों को लाइन में लगाया था, अब जनता कर रही है हिसाब। आजमगढ़ में राजनाथ सिंह ने की चुनावी सभा, अखिलेश पर साधा निशाना, कहा बिजली नहीं आ रही है, सिर्फ बिल आ रहा है, मजा लीजिए, कुछ तो आ रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने साक्षी महाराज के बयान को बताया निंदनीय। प्रमोद तिवारी ने साक्षी महाराज पर साधा निशाना, कहा मुसलमान, ईसाइयों और पारसी ही नहीं, तमाम साधु संतों की भी बनी समाधियां। आज से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक चार्ज जमा या निकासी के बाद हर ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों से वसूलेंगे 150 रुपए चार्ज। अमेरिकी कंपनी हाइपरलूप वन भारत में दौड़ाना चाहती है बुलेट से भी तेज रफ्तार ट्रेन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ अधिकारियों ने की बैठक। हाइपरलूप वन फास्ट ट्रैक पर चुंबक आधारित टेक्नोलॉजी की लेना चाहती है मदद, बैठक में भारत के 5 रूटों पर इस तकनीक का दिया गया सुझाव। काशीपुर के कटोरा ताल चौकी में पुलिस हिरासत में युवक ने लगाई फांसी, पुलिस पर आरोप, शव के घर के बाहर शव छोड़कर भागी पुलिस। उत्तराखंड के काशीपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग को जिंदा जलाने की कोशिश, बुजुर्ग की हालत नाजुक। राजस्थान के धौलपुर में एक मकान में लगी आग, मां और 3 साल की मासूम जिंदा जले, 8 साल के दूसरे बेटे की हालत नाजुक। अमृतसर में कांग्रेस नेता ने अपने ही भाई पर किया जानलेवा हमला, भाई है बीजेपी का नेता, हमले की सीसीटीवी तस्वीर कैद। यूपी के ललितपुर में जहरीली चाय पीने से बुजुर्ग महिला की मौत, घर के 6 सदस्यों की हालत बिगड़ी। कर्नाटक के हुबली में एसीबी ने छापे के दौरान सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर के यहां जब्त की 7,000 साड़ी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में करंट लगने से 3 की मौत, बिजली के तार की चोरी करने गए थे तीनों। हाजीपुर के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मामला, 1 साल पहले शादी करके युवक ने लड़की को छोड़ा, कहा कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का ही था करार, युवक गिरफ्तार। झालावाड़ में पुलिस ने शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से आधा किलो अफीम बरामद। यूपी के बाराबंकी में अवैध खनन के खिलाफ रात में चलाए गए अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध खनन कर रहे डंपर और जेसीबी जब्त। दिल्ली के हर्ष विहार के रहने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह में शामिल होने लोनी गया था शख्स। अहमदाबाद मेडिकल की छात्रा को पास कराने के नाम पर 20 लाख रिश्वत लेते सुमनदीप विद्यापीठ को डायरेक्टर गिरफ्तार। छापेमारी में डायरेक्टर के घर से मिला 48 करोड़ की एफडी और 101 करोड़ की चेक, नोटबंदी के बाद बैंक में डिपॉजिट कराए 9 करोड़ रुपए। बिहार के बेगूसराय में टेंट संचालक की हत्या के बाद आरोपी के घर पर फूटा लोगों का गुस्सा, आरोपी के घर में की तोड़फोड़, आग लगाई। बिहार के मधुबनी में 300 बोतलें अवैध शराब जब्त, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में चोरों का उत्पात, दुकान का शटर तोड़कर लाखों का सामान उठा ले गए चोर। हरदोई में बदमाशों ने किसान को लगाया 37,000 का चूना, किसान को बहलाकर एटीएम से निकाल लिए 37,000 रुपए। राजस्थान के नागौर में बस सरकार की टक्कर, 5 की मौत। राजस्थान के बीकानेर में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, गैस के बढ़ते दामों से नाराज महिलाओं ने गैस सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। ऊटी में गजराज को आया गुस्सा, सामने से आ रहे बाइक सवार को दौड़ाया, कई जगह की तोड़फोड़। सिलीगुड़ी में सीआईडी ने बीजेपी नेता जूही चौधरी को किया गिरफ्तार, बच्चों की तस्करी का आरोप। समस्तीपुर में 9 साल की छात्रा से शिक्षक ने किया रेप, हुआ फरार। कन्नूर पुलिस ने एक पादरी को रेप के आरोप में किया गिरफ्तार, 17 साल की नाबालिग लड़की से लगाया था रेप का आरोप। मध्यप्रदेश के आगर मालवा में एक शख्स अपनी ही 9 साल की भांजी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार, गला रेत कर किचन में ही किया दफन। कानपुर में रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा मिला नवजात, कई ट्रेनें गुजरने पर भी नहीं आई खरोच। अभिनेत्री जिया खान की मौत का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिया की मां राबिया खान ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। जिया खान की मां राबिया आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को ठहरा रही हैं बेटी की मौत का जिम्मेदार, खुदकुशी पर जताया था संदेह। मुरादाबाद में 30,000 की रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार, सीबीआई ने किया अरेस्ट। समस्तीपुर पुलिस के हत्थे चढ़े वाहन चोर, बाइक बरामद, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। दिल्ली के तिलक नगर में एक बहादुर लड़की ने स्नैचर से लिया मोर्चा,
चोट की परवाह किए बिना पलटी बदमाश की बाइक, पुलिस ने पीटा फिर पुलिस को सौंपा। देवघर में बाइक चोर गिरोह का आतंक, पलक झपकते गायब हो जाती है बाइक, एक बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। आलू के भाव गिरने से इंदौर के किसान बदहाल, एक रुपए में बिका 2000 किलो आलू, पीएम को ट्वीट कर रोया दुखड़ा। करीब 8 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में फिर खुले स्कूल, हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद मचे हंगामे की वजह से स्कूल थे बंद। लोग ऋषिकेश में गंगा किनारे एक सप्ताह तक चलने वाले योग महोत्सव का शुभारंभ, देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, सुबह हुई बूंदाबांदी फिर साफ हुआ मौसम। शिमला में मौसम ने फिर ली करवट, बर्फबारी और बारिश से बढ़ी ठंड। जम्मू में खराब मौसम के चलते दूसरे दिन बंद रहा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, हाईवे पर फंसे हैं कई वाहन। इस बार गर्मी छुड़ाएगी और पसीना, मौसम विभाग ने ज्यादा गर्मी का जताया अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी का महीना पिछले 116 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। टीम इंडिया को धूल चटाने वाली पुणे की पिच को आईसीसी ने दी खराब रैंकिंग, बीसीसीआई से 14 दिनों में तलब किया जवाब। पहले टेस्ट में कोहली का विकेट झटकने वाले स्टार्क ने कोहली को बताया शानदार बल्लेबाज, सीरीज की शुरुआत में कोहली का विकेट मिलने पर जताई खुशी। स्टार्क ने कहा कोहली की वापसी को लेकर भी हूं सतर्क। झारखंड ने विजय हजारे ट्रॉफी में सेना पर 7 विकेट से दर्ज की जीत, सौरभ तिवारी और जग्गी ने जड़े शतक, धोनी का नहीं आया नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग भारतीय क्रिकेट टीम से की मुलाकात, पाकिस्तान को शिकस्त देकर जीता था T20 वर्ल्ड कप। बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज पहली बार अमेरिकी कांग्रेस को किया संबोधित, ट्रंप के संबोधन से पहले भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या पर अमेरिकी कांग्रेस में रखा गया मौन। अमेरिका के कैंसस में नस्ली हिंसा में हुई भारतीय मूल के इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या, एक और भारतीय को किया गया था घायल। ट्रंप ने नस्ली हिंसा की निंदा की, कहा अमेरिका में इसकी जगह नहीं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर ट्रंप ने साधा निशाना, कहा पिछले 8 वर्षों में जितना कर्ज हुआ उतना किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं हुआ, फिलहाल 94 मिलियन अमेरिकन बेरोजगार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ठहराया बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का नारा, कहा अमेरिका की वस्तु खरीदो और अमेरिकन को नौकरी पर रखो।